जैसा कि पूरा देश जानता है कि एक पाकिस्तानी महिला अपने चार बच्चों के साथ दुबई शारजा होते हुए नेपाल के रास्ते से यूपी उत्तर प्रदेश में आई थी, जिसको रघुपुरा पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ एक 159 मुकदमा फोन एक्ट और 120 बी में दर्ज करके उसे बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया था। उसके पति बिना तलाक लिए वो आई थी, ना उसने पाकिस्तान में कहीं तलाक लिया है और ना ही भारत में आकर के कोई तलाक उसने लिया है। उसका पति जो कि उस वक्त सऊदी अरब में नौकरी करता था, वो वापस पाकिस्तान आया और उसने अंसार वनी ट्रस्ट से रिक्वेस्ट की कि मुझे भारत में एक वकील की आवश्यकता है, जो कि अंसार वनी ट्रस्ट ने मुझे इस केस में वकील अपॉइंट करवाया। तो 17/2 को मैंने पुलिस स्टेशन रघुपुरा में जाकर के मामले का को देखने की कोशिश की, तो मुझे FIR की कॉपी नहीं दी गई। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से गुहार लगाई कि मुझे इसमें कॉपी दी जाए, तो मुझे सर्टिफाइड कॉपी मिली। उस सर्टिफाइड कॉपी पढ़ने के बाद जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी उसमें देखिए कि ये मामला जो है जो दर्ज हुआ था वो मामला ये FIR जो दर्ज हुई थी ये 4/7/2023 को दर्ज हुई थी और महिला को 3/7/2023 को बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था, जबकि ये मामला जो है वो बल्लभगढ़ में दर्ज होना चाहिए था, ये उत्तर प्रदेश के रघुपुरा थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद आज तक चार्जशीट 173 की सबसेक्शन 2 के तहत आज तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है। जो बच्चे सीमा हैदर के साथ रिकवरी किए गए थे पुलिस द्वारा जब उसको अरेस्ट किया गया, तो उन बच्चों का मेडिकल फरीदाबाद में ही जहां से उनको अरेस्ट किया गया था उसी टाइम वही के नजदीक हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई मेडिकल टेस्ट उनका नहीं हुआ। और वहां के बाल एंड प्रोटेक्शन जो वहां के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचना देनी चाहिए थी, उनके संज्ञान में मामला लाना चाहिए था, कोई संज्ञान में उनके मामला उनको लेकर के नहीं आया गया। और इसका भी मैं पता करूंगा कि लोकल पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई या नहीं दी गई। तो अब बात यह है कि 7 महीने 15 दिन हो जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कहां है, क्यों अब तक चार्जशीट पेश नहीं की गई, किसी प्रकार की सूचना इन बच्चों के फादर और सीमा के हस्बैंड जो कि गुलाम हैदर है उसको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। उसके अलावा जो FIR में जो वर्जन है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो FIR में वर्जन है, इस महिला ने दिनांक 30 तारीख और 6/6/2023 को ये सचिन के साथ और अपने सचिन के फादर के साथ और चारों बच्चों के साथ ये जो है बुलंदशहर जाती है और वहां जाकर के तमाम अपने कागजात और तमाम पासपोर्ट और तमाम जो भी चीजें थी वो वहां जाकर के वकील को दिखाती है। वकील ने देखा कि ये तो पाकिस्तानी महिला है और इसका तलाक भी नहीं हुआ है, तो वो शादी कराने से इनकार कर देता है और वो वहां से वापस आ जाती है। इस महिला को बल्लभगढ़ से कब गिरफ्तार किया, मुकदमा कब दर्ज हुआ? देखिए, इस महिला को कोई भी इसके अंदर जो दिखाया गया है कि 3 तारीख 7/7/2023 को शाम के 8 बजे के बाद सूरज छिपने के बाद जो है इसको बल्लभगढ़ से जो FIR के मुताबिक अरेस्ट दिखाया गया है। और ये जो FIR दर्ज की गई है ये अगले दिन 4/7/2023 में दर्ज की गई है। तो अब सवाल ये है कि जब आपने स्टेट बदल जाता है और हरियाणा स्टेट के अंदर से आपने इसको पकड़ा है, बल्लभगढ़ से पकड़ा है, तो ये मामला बल्लभगढ़ में दर्ज होना चाहिए था। अब आपने पिटीशन क्या डाली? पिटीशन मैंने अभी हालात के 4/7/2023 से जब से FIR दर्ज करी है और 19/2/2023 तक 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद आपने चार्जशीट क्यों फाइल नहीं की, ये मैंने कोर्ट से एप्लीकेशन दिए कि जवाब तलब करा जाए जांच अधिकारियों से। दूसरी बात, जब इसको अरेस्ट किया गया, इन बच्चों को, जब महिला को सीमा को अरेस्ट किया गया तो बच्चे पुलिस की कस्टडी में थे, तो जब वो 3 दिन उसकी जमानत हुई है, 3 दिन के बाद जमानत के ऑर्डर्स हैं, मैं आपको देता हूं कि जमानत की कॉपी हमारे पास मौजूद है जो कि हमने सर्टिफाइड कॉपी इसकी जमानत की निकलवाई है। इसकी जो जमानत हुई है वो हुई है 6 तारीख, इसकी जमानत हुई है 3 दिन के बाद, यानी कि 6/7 के लगभग इसकी जेल ऑर्डर्स है। इसकी ये देखेंगे आप, इसकी जमानत हुई है 7 तारीख को, 7/7/2023 को, यानी कि 3 तारीख को आपने अरेस्ट किया और 7 तारीख को बेल हुई, 4 दिन तक कस्टडी पुलिस के पास थी बच्चों की। तो
बिना किसी कोर्ट आदेश के कस्टडी क्यों सौंपी? कोर्ट ने आदेश जारी किया, आपको आदेश जारी हुए? कोर्ट ने आदेश जारी किया 19 तारीख को मेरी एप्लीकेशन पे, और 26 तारीख को जांच अधिकारियों से 26 तारीख को अपनी विस्तृत रिपोर्ट, जो जो बिंदु मैंने उठाए उन सारे बिंदुओं पे ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया कि आप इसका जवाब दाखिल करें। जांच अधिकारी को अभी ये मामला दो पुलिस स्टेशन की मिलकर कर रही है, रबुपुरा और जेवर पुलिस स्टेशन, ये दोनों थाने मिलकर के इसकी जांच कर रहे हैं, और 26 तारीख को ये जो है ये अपनी कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे कि इस मामले में क्या चल रहा है। जो सीमा हैदर के पति हैं, जो पाकिस्तानी, जो देखिए वो कहते हैं क्योंकि जब इंसान की किसी की भी पत्नी बिना तलाक लिए किसी गैर किसी अनैतिक संबंध में किसी के साथ भी मुलव्वस हो जाए या शामिल हो जाए तो गुलाम अहमद नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति का मन उससे हट जाएगा, ये तो अंडरस्टैंड है जी। ये चीज तो अब उसका कहना ये है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए जो मैं के बायोलॉजिकल फादर हूं, और उन बच्चों में तीन बेटियां हैं, एक बेटा है, एक बच्ची की उम्र 3 साल, एक बच्ची की उम्र 4 साल, एक बच्ची की उम्र 5 साल और एक बच्ची की उम्र 6 साल है। अब उसका सवाल ये है कि भाई वो मेरी बच्चियां हैं, वो मेरा बेटा है तो मैं उनको लूंगा, और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है उनका धर्मांतरण, जबकि देश में एक कानून आया है पिछले दिनों काफी मुस्लिम समाज के लोगों की उसमें अरेस्ट हुई थी, तो जो बबच्चे जिनकी उम्र 7 साल से नीचे है उनको ब्रेन वॉश कर करके, उनको प्रेशराइज करके या उनको गलत तरीके से मिसगाइड करके उनका धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये कहते हैं मुझे सचिन से प्यार हो गया, आपको सचिन से प्यार हो गया लेकिन इन बच्चों का प्यार तो अपने पिता के प्रति है, इस बच्चों का तो प्यार सचिन के प्रति नहीं है ना, तो इन बच्चों का धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है, ऐसे भी किया जा रहा है और सब चुप है, सब देख रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए और किसके एडवोकेट है वो बता दीजिए। मोमिन मलिक एडवोकेट, गुलाम अदर जो सीमा के हस्बैंड है उनका मैं लायर हूँ, और वो आज तक उसकी वाइफ है डॉक्यूमेंट में, और सचिन के साथ वो जो है वो अनैतिक संबंध में उसको कानून की नजर में कहा जाएगा, लीगली जो वाइफ है वो आज तक अभी तक भी जो है वो गुलाम अहमद ऐदर की वाइफ है, क्योंकि किसी कोर्ट ने भी उनकी डिग्री कोर्ट को डिवोर्स की डिग्री प्रोवाइड नहीं कराई है। अब आपके माध्यम से गुलाम अहमद ने अपने बच्चों की कस्टडी मांगी है, बिल्कुल वो अपने बच्चे मांग रहा है कि मेरे बच्चे मुझे दिए जाएंगे। ये हमारे साथ मोमिन मलिक थे जो कि गुलाम हैदर के जो वकील हैं, सीमा हैदर के पति जो हैं कागजों में उनके वकील हैं मोमिन मलिक, उन्होंने सारी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से जो है एक अनऑथराइज जो है वो इंडिया में घुसती है, और उसी के बाद जो उसके बच्चों को अभी तक जो बच्चों का अधिकार है वो उसके पिता का भी है उतना ही उतना उसकी माँ का है, वही उसके पति ने कहा है कि मेरे बच्चे मुझे पाकिस्तान में वापसी भेजे जाएं।